अब मरे बिना ही हो जाएगा मौत का एक्सपीरियंस। आपने अपनी लाइफ में अलग अलग एक्सपीरियंस किए होंगे और कई नई चीजों को एक्सप्लोर भी किया होगा। साथ ही कभी ना कभी तो आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर मरते वक्त का एक्सपीरियंस कैसा होता होगा। जब मौत आती है तो कैसा महसूस होता है, किस तरह की चीजें नजर आती हैं? अब कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब वर्चुअल रियलिटी के जरिए मिल सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया के आर्टिस्ट शॉन ग्लैडवेल ने इसके लिए पूरी व्यवस्था की है। वह विक्टोरिया के मेलबर्न नेशनल गैलरी में एक शो कर रहे हैं। लोगों को एक अनोखा अनुभव देने के लिए ग्लैडवेल ने बिजली के तूफानों की आवाज और मेडिकल तकनीक की मदद ली है। इस शो में कार्डिक अरेस्ट से लेकर ब्रेन डेड तक अगर कुछ हो तो इंसान को उस वक्त कैसा लगता है, इसी को बताने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। ग्लैडवेल ने कहा, इस अनुभव में इंसान खुद से दूरी महसूस करता है और उसे ऐसा लगता है कि वह हवा में तैरता हुआ बड़े ब्रह्मांड की तरफ जा रहा है। उन्होंने कहा, मृत्यु के अंतिम कुछ मिनटों का अनुभव करना व्यक्तिगत जीवन का ध्यान करने जैसा है। मेरे लिए ये उदासी नहीं बल्कि रंगों और मूड का स्पेक्ट्रम है। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि उनका ये काम जीन बाड्रिलार्ड, मिशाल फोकाल्स और डेविड चाम्स जैसे फिलोसफर से प्रेरित है। लोगों को मौत का अनुभव देने के लिए सबसे पहले उन्हें इस गैलरी में आना होता है। यहाँ उन्हें अस्पताल जैसे दिखने वाले एक बेड पर लेटने को कहा जाता है। यहाँ हार्ट बीट चेक करने जैसी मशीनें भी लगी हैं। अगर किसी को असहज महसूस होता है तो वो बीच में ही जा सकता है। उनकी मदद के लिए यहाँ स्टाफ के सदस्य भी मौजूद रहते हैं। मार्क्स नाम के एक शख्स ने सोशल मीडिया पर शो का वीडियो शेयर किया। इसमें लोग नीले रंग के बेड पर लेटे हुए दिखाई देते हैं। उनके सिर पर वर्चुअल रियलिटी सिमुलेटर्स होते हैं। बेड के साथ बड़े कंप्यूटर्स लगाए गए हैं जो अस्पताल के मॉनिटर जैसे लगते हैं। मार्क्स ने कहा, क्या हो जब आप लेटे हो, बेड वाइब्रेट होने लगे, डॉक्टर आपके पास आकर ऐसा नाटक करे कि वह आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने आगे कहा, अगर ये सब भी काम ना करे और आप मरने वाले हो तो आप खुद को चश्मे की मदद से देख पाए और वो आपको उठाने की कोशिश कर रहे हो, अगर ये भी काम ना करे तो आपको तैरता हुआ महसूस होता हो, ऐसा होता रहे। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पर्यावरण पोस्ट। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।